हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने पहनी एक वाइट टी शर्ट, क्योंकि कल एक अच्छी टी शर्ट नहीं पहनी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैंने सोचा कुछ अच्छे से पहने, एकदम नई नई निकाली है मैंने ये टी शर्ट आज ही। और मौसम आज भी बड़ा सुहाना हो रहा है, ज़रा बाहर का नज़ारा देखो। तो देखा आपने बाहर का नज़ारा कैसा हो रहा है, एकदम मस्त, मतलब बारिश जैसा ही हो रहा है और थोड़ा क्लियर है आज। कल तो बहुत ही अंधेरा हो रहा था। तो अभी नीचे चल रहे हैं अपन और नाश्ता करेंगे। गाइस, मैं आ चुका हूँ ऊपर से नीचे और यहाँ बैठा है ऋषभ। और ऋषभ मेरी शॉप पे बैठा हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने का लेने। मम्मी चाय बना रही है, चाय के साथ कुछ खाने के लिए मैं लेने जा रहा हूँ। और ऋषभ भाई, तूने नाश्ता कर लिया? भाई मैंने नाश्ता कर लिया। भाई तेरी टी शर्ट का लोगो ना रेनबो की तरह चमक रहा है वीडियो में। रेनबो वाली टी शर्ट है, फ्लैश जल रही है क्या? अच्छा, तभी रेनबो की तरह चमक रहा है। चाय हमारी बन रही है और मैं ले आया हूँ मट्ठी, फैन, बिस्किट्स और अभी मम्मी ऑमलेट भी बनाएगी। और मम्मी के सर में दर्द हो रहा है आज ना मम्मी? तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई नहीं, नाश्ता खिला के रेस्ट कर लो। गरम गरम ऑमलेट एंड चाय भी आ चुकी है, सुबह सुबह की चाय। मेरी बुआ कह रहे सुबह नहीं है, 11 बज रहे हैं। देखिए मेरी बुआ है। हेलो मम्मी, वो बैठी है, मम्मी के सर दर्द हो रहा है। सही है, पी लो। तो नाश्ता वगैरह करके आ गया मैं नीचे और अब मैं करूँगा कुछ काम। यहाँ पे शॉप पे बैठेंगे। ऋषभ वापस ऊपर चला गया है। ऋषभ ने पता नहीं नाश्ता किया नहीं किया, मेरे को याद भी नहीं है। और अपना दूसरा फ़ोन इधर रखा है, इसको भी चार्ज करना है। अब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है और इस वाले की बैटरी ख़त्म हो गई। दो दो फ़ोन चलाना मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि दिक्कत आती है, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि ये वाला काम में यूज़ हो जाता है। ये वाला ब्लॉगिंग के लिए ठीक है, अगर एक ही होगा तो सारी स्टोरेज फुल हो जाएगी, क्योंकि इसमें फालतू की चीज़ आती रहती है। पूरे दिन कस्टमर कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, दुकान मैंने कर दी है क्लोज़, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। मैं कर देता हूँ 2-2.5 बजे क्लोज़ और फिर खाना खाता हूँ, लेकिन आज मैं खाना नहीं खाऊँगा क्योंकि मैंने छोले भटूरे खा लिया आज। अभी बाहर गया था, मैं बाहर से गया हूँ तो अब मैं यहाँ पर सो जाऊँगा। इधर सो जाता हूँ मैं, अपने बेड पर दिख रहा हूँ, पीछे ऊपर नहीं जाता मैं। मेरे को यहीं सही लगता है क्योंकि ये नीचे का हॉल है ना, तो यहाँ पर ठंडक रहती है। तो यहीं सोऊंगा मस्त, फिर उठ के तुमसे मिलता हूँ। और मैंने अपनी बाइक को भी चढ़ा दिया है घर में ऊपर। पहले बाहर खड़ी थी बाइक दोपहर का टाइम है, अब मैंने उसको चढ़ा दिया ऊपर। अभी क्या करेंगे, शाम को इसको साफ़ करेंगे फिर इसको उतारेंगे, क्योंकि बारिश बारिश का मौसम चल रहा है ना आजकल, तो बाइक भी गंदी हो गई है। मैंने ऊपर इसलिए कर दी, जंग वंग लग जाता है बाइक पर अगर भारी बार रखते हैं तो बारिश में ज़्यादा, तो इसलिए चढ़ा दी मैंने। और अब मैं लेट चुका हूँ, सोऊंगा मैं मस्त आराम से 1-2 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 2:40 का और फिर उठूँगा 5:30 बजे, फिर शॉप वॉप खोलेंगे। तो दोस्तों, समय हो गया है शाम का और मैं उठ चुका हूँ। मैंने मुँह हाथ धोया और जैसे ही मैंने उठा मेरे को मिला सरप्राइज़, आई फ्लू का। मेरे को भी आई फ्लू हो चुका है और मैंने ड्रॉप भी डाल लिया है और मैंने अपना चश्मा निकाल लिया है। ये मैंने चश्मा बनवा के रखा हुआ था, तो ये कंप्यूटर चलाने के लिए वैसे था पर मैं इसे यूज़ नहीं करता, तो आज ये काम आ गया। तो गाइज़, मैं आ चुका हूँ ऊपर और ऋषभ भाई का आज मूड ठीक नहीं है। ऋषभ भाई मुंडी लगा के मना कर रहे हैं। क्या हो गया इसको? उसकी तबीयत खराब है। मम्मी से मिल लो तुम। सबकी तबीयत खराब है, पता नहीं मुझे भी क्या हो रहा है, सर में दर्द है। भाई हमारे घर में तबीयत खराब हो रही है और मैं तो ये देखो तबीयत खराब में समोसा खा गया। मैं भी समोसा खाऊंगा। मम्मी चटनी दे दो, कहाँ है? अरे डाल के दो कटोरी में यार, ऐसे नहीं। तो खाऊंगा चटनी के साथ समोसा और पीऊंगा चाय और खाऊंगा साथ में बिस्किट, क्योंकि आई लव चाय बिस्किट। गाइस, आज मैं थोड़ा सा दोपहर को सो गया था और अब उठाऊँ, अब मतलब रात हो गई 8-8:30 बजे और मुझे पता है अब रात को नींद नहीं आएगी, तो अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। गाइस, अभी थोड़ा वॉक करने निकलता हूँ यार, क्योंकि सुबह से घर में ही हूँ, थोड़ा वॉक करने का मन कर रहा है, तो अभी वॉक भी ज़रूरी है ना थोड़ा रात को, तो अभी वॉक करने के लिए निकलते हैं। अब मैंने बाइक उतार ली नीचे, थोड़ा
घूमने के लिए, जो कि लड़कों का फेवरेट काम होता है। ये रही अपनी बाइक, अब उठा दे पहले मनीष को। मनीष आ रहा है घूमने के लिए, वो तो रेडी रहता है। तो अभी उसे उठाते हैं, पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तीसरी किक में चालू हुई है क्योंकि सुबह से चला ही नहीं है ना, इस वजह से आ गया मैं, आ गया थोड़ा कैमरा से आया लौंडा। चलो अब आ गया मनीष, चलते निकलते हैं यहाँ से। भाई घुमाई चल रही है फुल भयंकर, फुल भयंकर घुमाई। साइलेंसर दिखा दे। पुलिस वाले जब्त कर ले, देंगे भी नहीं वापिस। भाई घूम घूम के तो आ गए, और अब देखते हैं। अरे वो हेलो, इतने में रो भी नहीं आ गया। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो दोस्तों मेरी आंख आ गई ना यार, तो मेरे को काफ़ी तकलीफ सी हुई। मैंने दवाई भी डाल ली है, तो देखो आंख का रेडनेस तो चला गया। हल्का हल्का रेडनेस है या नहीं? नहीं है। नहीं है ना, रेडनेस हो गई थी आंख में, तो वो जा चुकी है दवाई डालने की वजह से। अभी रात को दोबारा दवाई डालूंगा, और मैं ही अपना चश्मा ला के घूम रहा हूँ कंप्यूटर वाला, और अपना इंजीनियर लग रहा हूँ सस्ता। भाई की आँख आ गई थी, लेकिन अब ठीक हो गया भाई। एक ही दिन में ठीक हो गया यार, ये कैसा आई फ्लू है? एक दिन भी नहीं पूरा, मैंने पता कितनी देर में ठीक कराई है, 3-4 घंटे में। 6 बजे डाली थी मैंने दवाई आँख में, और अभी रात को फिर से डालूंगा। हाँ भाई, डॉक्टर वॉक्टर के पास मत जाओ, रोबिन के पास आ जाओ। यार वो कैसे बैठा है? हाँ भाई बोल तो भी कुछ, आज नहाया नहीं है लौंडा। ये जो हमारा मनीष भाई अक्सर नहाता है ही नहीं, नहाने का कोई वो नहीं है रूल अप्लाई इसके ऊपर। बस ये जब जाता कहीं बाहर, जब नहाता है नहीं तो ये नहाता नहीं है, और जब ये आता है तो परफ्यूम नहीं लगा के आता, बदबू आती है बहुत जोर की। और देखो कितना खुश हो रहा है। और ये रोहन भाई है, ये मूछे बढ़ा रहे हैं अपनी। मुझे ताव दे, मुझको ताव दे, दोनों मुझे भाई रहन दो। चल भाई रहन दे, तुमने कह दी तो रहन दे, नहीं तो मुझको ताव दिलवा दे। तो गाइस आज मैं तुम्हें एक छपरी से मिलाऊंगा, मतलब ऐसे वैसे छपरी नहीं, रियल छपरी। हमारे यहाँ का नाम गिरा में छपरी, इसका नाम है अनुराग एमसी स्टैंड छपरी। अनुराग हेलो गाइस, हम अभी आए थे। ये अपना अनुराग एमसी एमसी स्टैंड छपरी है हमारे यहाँ का फेमस छपरी। देखो हाथ देखो भाई, ये गाइस इसकी छाती का टैटू दिखा था मैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये एकदम रियल जिंदा छपरी था, छपरी अल्ट्रा प्रो मैक्स था। ये जो होते हैं छपरी, बिल्कुल असली छपरी। लल्ला भाई भी आ गए अपने, देखो चोट खा गए भाई। मैं भाई टैटू बनवा के आया भाई। ये हमारा भाई केदारनाथ गया था, तो शिव जी ने प्रसाद दिया इसे भाई। फुल टैटू बढ़िया वाला मजेदार। और इसने टैटू को बग्गा, इधर आ बग्गा, इधर आ बग्गा, इधर आ बग्गा, इधर आ, पैसे दूंगा इधर आ। जी जी। तो गाइस ये लड़का था बग्गा, यो राहुल भाई भी आ गए। ये जो लड़का गया था, इसका नाम था बग्गा। जब ये लड़का छोटा था तो हम इससे बोलते थे बग्गा ढोल बजा के दिखा, तो ये ना ऐसे करता था अपने मुंह से ढिंग टाक ढिंग ढिंग टाक ढिंग ढिंग टाक। तो हम इससे बहुत मजे लेते थे। अब ये पर ना बड़ा हो गया बग्गा, तो अब ये ढोल नहीं बजा के दिखाता। वो जा रहा है हंस रहा है, समझदार हो गए, खुश हो रहा है बग्गा की मेरी डिमांड है। भाई हमारे यहाँ पे ऐसा ही सीन है, बस ज्यादा नहीं 10 मिनट बैठना होता है, 5-6 बंदे इकट्ठे हो जाते ले हमारे यहाँ पे। मतलब टाइम पास अगर करना हो ना तो हमारे यहाँ आ जाना, दिन हो चाहे रात हो, कितना भी टाइम हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दुनिया भर के लोग हैं, और फुल टाइम पास हो जाता मस्तियाँ। तो गाइस अभी रात हो चुकी काफी ज्यादा, और अभी मैं सोऊंगा, मैंने आंखों में दवाई भी डाल ली है, और सुबह मिलते हैं। बाय बाय।